हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मैंने दोनों बेटियों को नहला दिया है, नाया को भी नहला दिया है, क्योंकि आप लोग तो बोल ही रहे थे, लेकिन मैं भी जो है मैंने जैसा बताया था कि अगर मौसम ठंडा नहीं होगा तो ही मैं नहलाती हूँ। तो आज जो है काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ पर जो है धूप निकली है, क्योंकि कुछ दिनों से जो है लगातार जो है दिन रात बारिश हो रही थी। 8 से 10 दिन हो गए होंगे जब से जो है लगातार बारिश होती रहती है और बिल्कुल भी जो है धूप नहीं निकली थी। तो आज जो है धूप निकली है तो आज कुछ अच्छा लग रहा है, इसीलिए जो है उसके भी सारे जो बिस्तर रहते हैं वो मैंने सुखाने डाले हैं अभी धूप में ही। सुबह ही जो धूप निकली आई थी जैसे ही डाल दिए थे और उसको भी निला दिया है आज। पहले मैंने उसकी लोई की थी, फिर उसके बाद निला दिया था और अब जो है वो सो गई है। आलिया को भी नहला दिया है तो वो भी जो है तैयार हो गई है। तो वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे ब्लॉग में आना है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो यहीं पर खड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है बेटू, नहा चुकी हैं और तैयार हो गई हैं। मॉल में जा रहे हो? अच्छा। और ये देखो जो इनाया के लिए ड्रेस आई थी इनकी नानी के यहाँ से, तो इनने वो पहन रखी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ड्रेस थी तो इसलिए ये बोलने लगी कि मुझे पहनना है। तो फिर मैंने जो है इसको पहना दी है, क्योंकि इनाया के तो आएगी नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ी ड्रेस है ये। जब इनाया 1 साल की हो जाती है जब आती है उनकी, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है आप ही पहन लो। तो अभी इनने पहन ली है। तो आलिया जो है जब से तैयार हुई है तो जब से ही बोल रही है कि मुझे मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट लेकर चलो। तो अभी तो जो है धूप तेज है तो मम्मी जी बोल रही हैं कि शाम को चलेंगे, तो वो अपने दादा दादी के साथ शाम को ही जाएगी मार्केट। और अभी मम्मी जी ने खाना बनाया है, दाल चावल और रोटी बनाई है और भिंडी की सब्जी बनाई है। तो मैं अभी जो है आलिया को खाना खिला देती हूँ। और मैंने आज सुबह लिया था हरीरा, तो सुबह ही मम्मी ने बना दिया था। तो अभी पहले मैं आलिया को खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। आज क्या हुआ कि आज दोनों बेटियां जो है एक साथ रोने लगी, क्योंकि इनाया और आलिया जो है बाहर के कमरे में ही थी और मैं जो है अंदर बर्तन मांज रही थी सिंक पे, क्योंकि दोपहर के बर्तन जो भी होते हैं तो मैं मांज के रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी सुबह से ही जो है काम करती हैं, सुबह का नाश्ता फिर दोपहर का खाना। तो मैंने बोला कि आप ना लीजिए, मैं बर्तन मांज लूंगी। तो मैं बर्तन मांज रही थी तो जब तक क्या हुआ कि कोई जो है दरवाजे के बाहर जो है बहुत सारे फटाके जो है एक साथ जला दिए, तो उससे क्या है बहुत तेज आवाज होने लगी। तो जब मुझे अंदर इतने अंदर तेज आवाज आई थी तो फिर दोनों बेटियां तो बाहर ही थी, मतलब बाहर वाले कमरे में थी, तो उनको तो और ज्यादा तेज आई थी। तो आलिया भी डर गई और इनाया सो रही थी तो वो भी जाकर रोने लगी। तो फिर मैं गई तो देखा कि आलिया बहुत डरी हुई थी, बोलने लगी मम्मा मैं डर गई। तो मैंने फिर बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कोई फटाके चलाकर तुरंत ही गया था, क्योंकि काफी धुआं हो रहा था बाहर। तो फिर मैंने जो है उसको बाहर दिखाया, मैंने की बोला आलिया देखो कोई फटाके चलाकर गया है और किसी आवाज नहीं, क्योंकि वो एक तो पटाखे चलते तो वो जानती कि फटाके चलाए, लेकिन वो ज्यादा आवाज थी तो इसलिए वो डर गई थी काफी। तो फिर मैंने उसको समझा दिया तो फिर बाद में चुप हुई। तो अभी जो है मैंने इनाया को दोबारा सुला दिया है और आलिया जो है ड्राइंग कर रही है। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ही जो है कपड़े वगैरह सुखाना और नहाना धोना लगा था, तो इसलिए अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको शाम को। तो अभी शाम का टाइम हो गया है 6 और आलिया अपनी दादी के साथ गई है मार्केट। बाई आई थी कपड़े धोने वाली तो वो कपड़े धोकर डाल रही थी, तो छत से जो है कपड़े लेकर आए हैं, तो मैं ये कपड़े जो है तय करके रख देती हूँ। और इनाया के भी कपड़े सुखाए थे बाहर तो वो मैं लेकर आ गई हूँ, तो वो भी रख देती हूँ।
और फिर मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। शाम के टाइम जो है रोज पीती हूँ, तो वो क्या है अब आदत हो गई है, तो पहले मैं ये कपड़े तय करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी चाय। कपड़े तो जो है तय करके रख दिए हैं सारे, तो अब मैं जाती हूँ किचन में चाय बना लेती हूँ। अभी जब मैं चाय बना रही थी, तो फिर उसी टाइम पर जो है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी आ गए, तो फिर मैं साथ ही में उनके लिए भी चाय बना रही हूँ। तो अगर मैं पी रही थी तो फिर अकेले अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बोली कि आप लोग भी चाय पी लेना। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा चाय बना रही हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि इतनी सारी चाय बना रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बोल देती हूँ। तो देखिए नाया भी मेरे साथ किचन में ही है, क्योंकि वो उस टाइम पर तो मैं अकेली ही थी, तो मैंने सोचा कि इसको अकेली ना छोड़ूं, तो इसलिए मैं इसका पालना भी जो है किचन में लेकर आ गई थी। तो अभी वो सो रही है, तो अब तो इसके पापा जी आ गए हैं, तो अब मैं इसको उधर ही करके आती हूँ पालने को। तो ये मेरी चाय बनकर तैयार हो रही है, मेरी नहीं मतलब हमारी, और ये हम जो मम्मी जी नमकीन लेकर आई थी वो लिया है मैंने आज चाय के साथ, मतलब थोड़ा सा मैं चखूंगी, पर मैं बिस्किट तो जरूर लेती हूँ चाय के साथ। तो अभी जाते हैं हम लोग चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं चाय के बाद। अभी मम्मी जी और बेटू जो है आलिया मार्केट से आ गए हैं और पार्क भी गए थे घूमने। तो ये देखिए इसने अभी ये आकर सुबह तो करी थी ड्राइंग, लेकिन अभी आकर भी ड्राइंग की है, और ये देखिए हाथ पर इसने कलर बनाया है। बस बस आज जो है मैं मम्मी जी से बात करा रही हूँ आप लोगों की, और जो मम्मी जी डायबिटीज के लिए देसी चीजें लेती हैं, और तो वो उसके बारे में बताएंगी। तो मम्मी जी सुबह सुबह क्या लेती हैं आप? सुबह उठ के थायराइड की गोली लेती हूँ खाली पेट, इसके बाद रात में सोते समय भिंडी गला देती हूँ पेट चाक करके पानी में, वो भीग जाती है भिंडी खाली पेट, उसका भिंडी का पानी लेती हूँ, फिर मेथी दाना खाती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद वो नाश्ता एक घंटे बाद नाश्ता करती हूँ, कभी दलिया ले लिया, कभी चने ले लिए, कभी थोड़े पोहे बना लिए। शुगर बढ़ चुकी थी, गई नहीं थी 1 महीने से, तो शुगर ज़्यादा बढ़ गई। अब जिस शुरू कराया ना भिंडी का पानी लेना खाली पेट,
उससे नींद अच्छी आती है, और शुगर कंट्रोल रहती है उससे। एप्पल से भी आती है नींद अच्छी है ना, इसलिए भी एप्पल भी डॉक्टर ने बताया। चने भी ले सकते हैं, हाँ। मेथी दाना खाओ सुबह खाली पेट, हाँ। तो भिंडी का पानी, हाँ। और तो आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ पूरा करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।